अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर 3 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इथाइन के रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ इथाइन। तो इसमें हमारे पास पहला रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम। तो पेपर में ये सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, इसके दो अंदाज हैं कि डाई सोडियम एसिटालाइट को आप इथाइन से बना के बताएं। हाउ विल यू प्रिपेयर डाई सोडियम एसिटालाइट फ्रॉम इथाइन। इथाइन से डाई सोडियम एसिटालाइट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। यह पेपर में कहा जाएगा राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ इथाइन विच शोज इट्स एसिडिक नेचर। आपसे कहा जाएगा कोई एक रिएक्शन आप इथाइन का लिखकर बताओ जो इथाइन की एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो ये दो अंदाज हैं पेपर में इसके पूछे जाने के। तो हम क्या करते हैं, इथाइन को देखो, दिस इज इथाइन, जिन दो चीज़ों के दरमियान रिएक्ट करवा रहे हो ना उसका नाम जरूर लिखा करो नीचे। तो ये इथाइन है, इथाइन को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाते हैं और बदले में आ जाते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये सोडियम, तो जो कंपाउंड बना ये है डाई सोडियम एसिटालाइट। अब ये दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन को कैसे शो कर रहा है, क्योंकि एसिड वो होता है जो H+ आयन, एसिड वो होता है जो H+ आयन क्या करता है, एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हमने कहा कि इथाइन ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन तो दे दिए, H+ आयन क्या किए हैं, हाइड्रोजन जो है वो सन डोनेट कर दिए। तो ये शो करता है कि इथाइन की जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। एसिड वो होता है जो हमारा H+ आयन क्या कर सकता है, डोनेट करने की सलाह देता है। तो क्योंकि इसने दोनों हाइड्रोजन अपने क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं सोडियम से, तो ये शो करता है एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन को। दूसरा रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ सिल्वर। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है डाई सिल्वर एसिटालाइट, जो कंपाउंड बनता है इसका नाम क्या है, डाई सिल्वर एसिटालाइट, और ये वाइट कलर का सॉलिड है। क्या है ये, वाइट कलर का सॉलिड है। तो पेपर में ये कई बार ये सवाल आया हुआ है, हाउ विल यू प्रिपेयर वाइट सॉलिड फ्रॉम इथाइन। इथाइन से वाइट सॉलिड आप कैसे बनाओगे, या पेपर में कहा जाएगा कि इथाइन से डाई सिल्वर एसिटालाइट आप कैसे बनाओगे। और ये भी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, AgNO3 के साथ मैं क्या करवा रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट, इथाइन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो NO3 के साथ अटैच हो गए, 2HNO3 नाइट्रिक एसिड बना, और दोनों सिल्वर जो है वो इथाइन के साथ ऐड हो गए, जिसके नतीजे में बना डाई सिल्वर एसिटालाइट, जो कि वाइट कलर का क्या होता है, जो कि वाइट कलर का ये सॉलिड होता है। ये व्हाइट कलर का क्या है, सॉलिड है। तो पेपर में कहा जाएगा हाउ विल यू प्रिपेयर व्हाइट सॉलिड या डाई सिल्वर एसिटालाइट फ्रॉम इथाइन, तो भी यही रिएक्शन लिखना है आपने। और पेपर में आ जाएगा राइट डाउन द रिएक्शन विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। इथाइन की एसिडिक नेचर को शो करे, तो आपकी मर्जी है ये वाला रिएक्शन लिखें या ये वाला रिएक्शन लिखें। और अगर पेपर में कहा जाए राइट टू रिएक्शंस विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन, कोई भी दो रिएक्शन लिखो जो एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन को शो करता है, तो एक ये लिखेंगे और दूसरा आपने ये लिखना है, क्योंकि इसमें भी दो हाइड्रोजन इसने क्या किए हैं, दो हाइड्रोजन इसने जो है वो रिप्लेस किए हैं, तो ये शो कर रहा है एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन को। तीसरा रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर है। क्या है हमारे पास, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर। इसमें हम इथाइन को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बनता है, डाई कॉपर एसिटालाइट, जो कि रेड सॉलिड है, रेड कलर का सॉलिड होता। तो पेपर में ये रिएक्शन कई बार आया हुआ है कि हाउ विल यू प्रिपेयर रेड सॉलिड फ्रॉम इथाइन, हाउ विल यू प्रिपेयर रेड सॉलिड फ्रॉम इथाइन, या आप कहा जाएगा डाई कॉपर एसिटालाइट फ्रॉम इथाइन। डाई कॉपर एसिटालाइट को आप इथाइन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये भी आ सकता है। और इसका तीसरा अंदाज वही है, दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन, राइट डाउन द रिएक्शन विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। कोई तीन रिएक्शन, तो आपने ये तीनों रिएक्शन लिख देने हैं। कोई तीन रिएक्शन कहेगा ना, तो कोई भी तीन रिएक्शन लिखो जो एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन को शो करते हैं, तो आपने फिर क्या करने हैं, तीनों के तीनों रिएक्शन जो है वो लिख कर आने हैं। तो यहाँ हमने कहा कि ये कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, और दोनों कॉपर जो है वो इथाइन के साथ जुड़ गए, तो ये बना डाई कॉपर एसिटालाइट, जिसे
डेड सॉलिड भी हम कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इथाइन के जो है वो रिप्लेसमेंट, तीनों रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने जो है वो डिस्कस किए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सबका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।